ये क्या है जो यूनिट नंबर दो का है, पहले का मतलब यूनिट नंबर दो का है, चैप्टर 1.1 है। तो आपका चैप्टर आपको गंगा स्तर पर छूट दिया और यूनिट 9.2 के अंतर्गत का ये सिलेबस में आता है। और इसमें से क्वेश्चन आपके 5 नंबर 10 नंबर से क्वेश्चन सब पूछता है कि चूड़ियाँ क्या होती हैं। पहली बात तो हम चूड़ियाँ पढ़ा रहे हैं, चूड़ियाँ की बात करेंगे। चूड़िया जो होती है तो कोई बेलंगा सतह होता है उस पर हेलिकल टाइप के छाछे कटे होते हैं, उसी को हम चूड़ियाँ बोलते हैं। चूड़ियाँ आपको पता होगा कहाँ पर कैसे बनाया जाता है, लेथ मशीन पर कोई गोलाकार छोर होता है जिसको उसमें डालकर लेथ मशीन से इलेक्ट्रॉनिक के लिए इंस्ट्रूमेंट से उसमें हम जो हेलिकल टाइप का चूड़िया बनाते हैं, उसके खाँचे काटे जाते हैं जो हेलिकल टाइप के होते हैं, इसलिए उनका हेलिकल रूप के नाम से ही जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चूड़िया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जनरली आप चूड़िया का उपयोग देखते हो मशीन देखते हो, मशीन को दो पार्टों को जोड़ने के काम में यूज होता है। नट बोल्ट चूड़िया में नट बोल्ट से ही संबंधित है ये चूड़िया। आपको चूड़िया कहाँ बनता है आपको पता है कि नट बोल्ट जो होते हैं नट नट और बोल्ट, तो बोल्ट में खाँचे बनाए जाते हैं हेलिकल टाइप्स के। जैसे आपको उदाहरण में मैं दिखाता हूँ कि चूड़िया क्या होता है, कि उदाहरण में आपको मैं बताता हूँ चूड़िया किस प्रकार की होती है। देखिए मेरे पास कुछ एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो लोहे के बने हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये खाँचे काटे गए हैं चूड़ियाँ, और ये है ये नट हो गए, ये वाला नट हो गया एक पोर्शन, और ये हमारा क्या है बोल्ट। देखिए इसमें ये 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल नट है। कैसा नट है? हेक्सागोनल नट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे आप देखेंगे भवन निर्माण होता है वहाँ पर कहीं ऐसा स्थान आता है जहाँ फाउंडेशन बनाई जाती है, तो वहाँ पर नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, ड्रैग बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। आरसीसी में क्या करते हैं बोल्ट को और डाल देते हैं और ऊपर से कोई स्टील का स्ट्रक्चर उसमें लाकर बैठाते फिट करते हैं, दोनों अवयव को जोड़ने का वहाँ काम होता है। एक तरह से एक आएगा और अस्थायी रूप में एक काम करता है। कैसा? अस्थायी के रूप में, जब चाहे उसको हम खोल के हटा दें, जब चाहे तो उसको क्या करें बंद कर दें, मतलब पार्टों को अलग कर दें या तो उस पार्ट को जोड़ दें, ये अस्थायी के रूप में काम होता है। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे, एरोप्लेन बनता हो वहाँ भी देखे होंगे नट बोल्ट का यूज होता होगा, आपके चक्की वाला मशीन होगा ऐसे टावर हैं वहाँ भी नट बोल्ट यूज होता है, और आपके जैसे पीपा का पुल है वहाँ भी जरूरत पड़ने पर नट बोल्ट दे देते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन जो होता है उस पर ट्रसों के ऊपर भी नट बोल्ट यूज होता है, दो प्लेटों को जोड़ने के काम में भी यूज होता है, कोई डेस्क बेंच बनाता है वहाँ भी यूज होता है, और आपके लिए मशीन के जो पार्ट हैं अलग अलग होते हैं उनको जोड़ दिया तो वहाँ भी यूज होता है, सिलेंडर के काम में आ जाता है, मतलब अनेक स्थानों पर नट बोल्ट का काम प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी देखते होंगे इसके ऊपर नट बोल्ट के ऊपर स्क्रीन भी लगा देते हैं ताकि नट बोल्ट गिरेगा, तो अलग प्रकार के नट बोल्ट आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपका सिर्फ प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ कि नट बोल्ट में क्या क्या चीज़ें होंगे, क्या क्या अवयव हैं। तो हम बात करते हैं देख रहे हैं ये हेलिकल टाइप की चूड़ियाँ काटी गई हैं, तो इसमें जो आप देख रहे हैं इस टाइप के होंगे मुझे आगे तक बना हुआ। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बाहर चूड़ी की बात कर रहे हैं, बाहर मतलब बाहरी प्रदेश से बाहर है, बाहर इसको सिंगल अगर हम लेकर चलेंगे तो 72 बोलेंगे बाहर चूड़ियाँ हैं। अब जैसे इसके नामकरण की बात हम करते हैं तो नामकरण यहाँ पर देख रहे हैं इसमें सबसे ऊपरी भाग जो होता है कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण मतलब होता है सीखा, कैसा क्या होता है सीखा, मतलब अगर एक तरह से हम अगर बात करें कृष्ण का समझने का कि चूड़ी की ऊपरी भाग को इसी को हम क्या बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं, जो चूड़ी हमारी कटी होती है चूड़ी की ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं। तो ये कृष्ण को हिंदी में शिखर बोलते हैं, अलग अलग हो सकता है आपके कोर्स में कृष्ण की जगह शिखर आ गया, तो समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कृष्ण भी लिख दिया और हिंदी में शिखर भी लिख दिया, तो कोई इसमें डाउट ना हो आपको, इसलिए मैं लिख दिया। बात करते हैं कृष्ण का ऊपरी सिरा को, जो ऊपरी जो चूड़ी का ऊपरी सिरा होता है, जो चूड़ी का देखिए यहाँ पे चूड़ी का जो ऊपरी खाँचा है कटा हुआ उसी को हम कृष्ण बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो देखिए नीचे वाला यहाँ पे मैंने यहाँ पे निशान लगा के दिखा
मतलब समझते हैं क्या, जड़। क्या होता है? रूट का मतलब जड़ होता है। तो जड़ का मतलब क्या है? जड़ यानी चूड़िया के निचली भाग को, जो चूड़िया के जो खाचे काटे जाते हैं उसके निचली भाग को, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। रूट का मतलब जड़, जड़ का मतलब मूल, दोनों नाम तीनों एक नाम। इसलिए आपको कोई डाउट ना हो इसलिए मैंने आपको तीनों नाम यहाँ पर दे दिया। अब बात करते हैं फ्लैंक का। फ्लैंक की बात करते हैं, फ्लैंक किसे कहते हैं? फ्लैंक से मतलब होता है आपके जिसकी सतह जो है टेपर, फाल बने गिरना, या फाल बने गिरना गिरता है, बर्फ कैसे गिरता है टेपर नुमा, तो उसी से हम देखेंगे रिलेटेड है या समझ रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। जैसा कि आप लोग मेरी बातों पर ध्यान से समझिएगा, फ्लैंक मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। फ्लैंक मतलब फ्लैट, फ्लैंक मतलब फ्लैट। तो फ्लैंक जैसे इसको हम अगर बात करें, किसी फ्लैंक किसी एक का फ्लैंक तथा उनके बीच की कोई फ्लैंक, किसी में से एक फ्लैंक हो या उनके बीच की, मतलब फ्लैंक एक तरह से आप कह सकते हैं जो टेपर सतह हो, मतलब दो मतलब दो मतलब कृष्ण ये रूट और जड़ के जो सतह टेपर सतह उसी को हम फ्लैंक कहेंगे। एक तरह से भी कह सकते हैं, आप भाषा लिखने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि रूट तथा ये रूट है, ये रूट है और ये वाला कृष्ण, इनके बीच की सतह को हम फ्लैंक कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लैंक। आगे क्या समझ में? अच्छा ठीक है, तो फ्लैंक आपको समझ में हो गया कि कृष्ण से कहते हैं चूड़ी के ऊपरी भाग को कृष्ण बोलते हैं, रूट किसे बोलते हैं? चूड़ी के निचली भाग को, जो खाचे कटे होते हैं चूड़ी की निचली भाग को हम जड़ बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब हम फ्लैंक की बात कर रहे हैं, तो फ्लैंक उसको कहते हैं जो रूट और जड़ के बीच की सतह को, फ्लैंक नुमा जो सतह है उसे हम फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में इंग्लिश दोनों वही ठीक होगा। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ हेड, चूड़ी का कोण। आई बस सुनने, चूड़ी का कोण क्या होता है? हम अगर इसी तरह लिखना चाहते हैं, किसी एक सतह का, किसी एक सतह का या किसी एक फ्लैंक, किसी एक फ्लैंक, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ हेड है, यहाँ पे एंगल ऑफ हेड है, ये एंगल, ये एंगल बनाया गया, कोण बनाया गया है, एंगल बनाया गया है। कोण को समझते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हो, तो उससे हम ये लेके चल रहा हूँ। तो कोई भी मैं एक तरह से कह सकता हूँ किसी एक फ्लैंक अथवा उनके बीच की तिरछी दीवारें के जो कोण बनती है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ हेड। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ हेड। किस तरह से परिभाषा देंगे? किसी एक फ्लैंक अथवा बीच की तिरछी दीवारों का कोण ही एंगल ऑफ हेड का तिरछी, किसी एक फ्लैंक अथवा किसी एक फ्लैंक अथवा तिरछी दो तिरछी दीवारों के बीच का कोण ही एंगल ऑफ थ्रेड होता है। अब मैंने आपको कृष्ण बताया, एंगल ऑफ थ्रेड बताया, रूट बताया, आपको फ्लैंक बताया। अब हम बात करते हैं माइनर डायर। माइनर डायर किसे कहते हैं? माइनर माने होता है मिनिमम, मिनिमम मतलब छोटा, मिनिमम मतलब छोटा। जो छोटी डायर होती है, जो हमारा चूड़ी है, जो हमारा बोल्ट हो या बोल्ट है, उस बोल्ट है, तो जो छोटी डायर होती है, जैसे आप यहाँ देखेंगे ना रूट, रूट से रूट की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? माइनर डायर, छोटी व्यास की डायर, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, इससे स्मॉल डी से, इसी को कोर डाया भी करते हैं। जो छोटी मतलब रूट से रूट का जो डिस्टेंस है उसी को हम कोर डाया भी बोलेंगे, या तो हम उसको क्या बोलेंगे? माइनर डाया यानी मिनिमम, मिनिमम मतलब कम व्यास वाली डाया। अब हम बात करते हैं मेजर डाया। मेजर डाया, मेजर डाया जो होता है बड़ी व्यास की डाया बोलते हैं, जिसको हम नॉमिनल डाया भी कहते हैं। अब मेजर डाया की बात करते हैं, तो आप मेजर डाया को मिलकर
इसमें थ्रेड में खांचे गए हैं, चुनिया खांचे गए हैं, तो इसको सिंगल में इसमें कोई चीज नहीं लगाया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेड है, अर्थात पांच चुनिया है, बाहरी चुनिया है, इसमें कोई चुनिया नहीं लगाया गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नट इनर है, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए इसका सेक्शन है, इसी सेक्शन है कि इसी इसी नट बोल्ट का सेक्शन दिया गया है, इसी नट बोल्ट का सेक्शन दिया गया है। आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको यूनिट नंबर टू में ये सब डिस्कस किया है, और इसको आपको आपने समझ में आया, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया है, क्योंकि इसमें आपने कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने उल्लेख किया है, और आप लोग के एग्जाम में ऐसा सुनने में आया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग साथ में थ्योरी पढ़ते रहें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर अपना सॉल्व करें। अभी तो कोई डिसीजन नहीं आया ड्राइंग के लिए, लेकिन जैसे डिसीजन आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन आप अपनी तरफ से फिक्र रहिए कि आप ड्राइंग बनाते समय आप क्वेश्चन आंसर को भी देना सीखें, क्योंकि आपके इसमें ड्राइंग बनाने के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी आता है, आपको लिखने के लिए आएगा। चूड़िया लगा सकता कि चूड़िया है, आपको बोलेगा कोई चूड़िया बनाओ तो उसको डिफिनेशन दो, तो आपको डिफिनेशन देना पड़ेगा, या तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि ड्राइंग फ्लाइंग केस किस तरह होता है, तो टेपर में होता है कि ऊर्ध्वाधर कोण होता है, कि हॉरिजॉन्टल में होता है, कि वर्टिकल में होता है फ्लाइंग। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि वर्टिकल क्या बोलते हैं टेपर में होता है, तो आप टेपर पर टिक लगा दीजिएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे फ्लाइंग की सतह टेपर होता है कि ऊर्ध्वाधर होता है, कि कोण होता है, कि आयताकार होता है, कि वर्गाकार होता है, तो आप अगर पढ़े हैं कि तिरछे नुमा होता है, टेपर नुमा होता है, तो आप टेपर नुमा में टिक लगा देंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से डायग्राम बनाइए, इसके बनाने का बहुत ही आसान तरीका, ये चीज जो आपको दिखाई दे रहा है पीछा गया, इनके रूट से रूट के बीच की डिस्टेंस को पीछा गया बोलते हैं, जो हमारा रूट से रूट की डिस्टेंस को पीछा गया बोलेंगे। ये जो चीज आपको दिखाया जा रहा है ये सेक्शन, इसका मतलब यह है कि ये आपके आगे पार्ट है, मैंने ब्रेक दे गई है, लंबा है इसका लंबाई को निर्धारित नहीं है, तो आप लोग कभी ये मत सोचिएगा। ये जितने चूड़ियां हैं 45 डिग्री कोण पे आप रख लेंगे सेक्शन करके बनाएंगे। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, पहले आप बनाएंगे मेजर डायरा, अधिकतम व्यास वाला डायरा, उसके बाद मिनिमम डायरा बनाएंगे, और उसी पर आप क्या करेंगे 45 डिग्री कोण पर ऐसे से इंक्लाइंड पे लाइन खींचेंगे, और एक लाइन पे देंगे, उसके बाद यहाँ से टच करते रहेंगे, टच करते रहेंगे। अगले चैप्टर में आपको बताएंगे कैसे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। आज के लेक्चर में आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, चूड़ियाँ का यूज कहाँ होता है, और चूड़ियाँ में उनका नामकरण क्या क्या है। अगले लेक्चर में आपको ले जाएंगे यूनिट नंबर 2 है, या फिर 2.1 हो जाएगा, 2.1 अलग करें, लेक्चर 1.1 खत्म कर लिया है, यूनिट 1 खत्म कर लिया है, अब लेक्चर नंबर 2.1 है, तो दूसरा यूनिट का 2.1 है। अब जो नया वाला वीडियो लेकर आएंगे आपको 2.2 लेकर आएंगे। आप भक्त रहिए, सुरक्षित रहिए, और मन से पढ़ाई करिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास आप घर पर ड्राइंग बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए बहुत ही टाइप के क्वेश्चन ढूंढने का। आपके क्वेश्चन में सब कुछ दिया है।